मैं सराय नीला जो कन्नौज कस्बे में है उसके सामने एआरटीओ के कैशियर से 2,81,000 रुपये की लूट हुई। इस सनसनी खेज घटना के बाद आईजी कानपुर महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई थी, उसमें से दो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक कासिम है और दूसरा सलीम और सब्लू है। कासिम नवस्था थाने का एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर है, इसके करीब 30 से ऊपर मुकदमे हैं इसके खिलाफ और ये नवस्था थाने में हिस्ट्री सीटर है और वर्तमान में ये मछलिया नवस्था में निवास कर रहा था और इसका दूसरा जो है ये कंजरपुरवा है, तिरुवई नगर में वहाँ का रहने वाला है और ये अभी आदमबाग में लखनऊ में रह रहा था। 29/10 की ये घटना थी और आज आप देख रहे हैं कि 5 तारीख है तो 6-7 दिन लगा इस घटना के खुलासे में और इसमें बहुत सी कड़ियों को एकत्रित करके और हम लोग निष्कर्ष तक पहुँचे, अपराधी को चिन्हित किया। घटना के खुलासे से टीम को शाबाशी मिली है और आईजी कानपुर परिक्षेत्र महोदय ने टीम को अपनी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है और हमारे तरफ से भी 25,000 रुपये का इनाम उनको दिया गया है। जो अपराधी हैं ये मैं बता दूं आपको कि कानपुर में नवस्था थाने के टॉप 10 क्रिमिनल्स की लिस्ट में ये जो कासिम है वो शामिल है और साथ ही ये रेंज की 15 टॉप अपराधियों की सूची में भी शामिल है। ये नवस्था थाने का HS 2510 है और इसके अगेंस्ट लूट की ज़्यादातर मुकदमे हैं और गैंगस्टर एक्ट करीब हमारे पास जो सूचना अभी तक प्राप्त हुई है उसमें 30 मुकदमे इसके ऑलरेडी पंजीकृत हैं और इसी प्रकार सलीम और सबलू भी है, ये भी एक शार्प शूटर है और वाहन चलाने में एक्सपर्ट है और इसके अगेंस्ट भी 11 मुकदमे अभी तक पंजीकृत हैं। कन्नौज में मुकदमे जो है ये 394 आई पी सी में इनिशियल जो मुकदमा पंजीकृत था उसमें 411 IPC और फिर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की।